दोस्तों हमारी एक्सेल शीट में जो हेडिंग्स होती हैं जिसमें वर्टिकल हेडिंग्स 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑर्डर में रहती हैं और हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स में ABCDEFG लेटर ऑर्डर में रहती हैं। अगर हमको लेटर के अगेंस्ट में उसका नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग में। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप हमारे पास एक एक्सेल शीट देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं, AZ, AA, AZ, SZ, CUZ एंड TP। इसके अगेंस्ट में हमें इनका नंबर फाइंड करना है। जैसा कि यहाँ पे A दिया गया है तो इसका नंबर 1 होना चाहिए और यहाँ पे Z दिया गया है तो इसका नंबर 26 होना चाहिए। लेकिन हम इसको फॉर्मूला से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉलम। कॉलम के बाद हम यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इनडायरेक्ट ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है तो रेफरेंस में हम B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद हम कोटेशन मार्क देंगे और यहाँ पे 1 को प्रेस करेंगे, फिर कोटेशन मार्क देंगे और इनडायरेक्ट फॉर्मूला को बंद करेंगे। अब हम कॉलम फॉर्मूला को भी बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि A के अगेंस्ट में इसका जो नंबर है वो 1 आ रहा है। इसी तरीके से जो सेकेंड लेटर है Z, इसका नंबर हम फाइंड करेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम पूरे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं तो आप देखेंगे Z का नंबर 26 है, डबल A का नंबर 27 है, AZ का नंबर 52 है। इस तरीके से जो भी हमारे पास लेटर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में हम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक्सेल में कभी इस तरीके से डेटा रहता है तो हम कॉलम और इनडायरेक्ट की हेल्प से लेटर के अगेंस्ट में नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।